सलवात पढ़िए, अल्लाहुमा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। जब सबूरी की थी जिस बंदे ने सबर किया तिसे फतेह रब ने जीते ऐसा मन में डरना। सबर खुदा का रास्ता है, सबर खुदा की मर्जी है। हालात जैसे भी हों, हम सबको सबर से काम लेना है। दुनिया में जीना है तो सबर करना सीखो। तमाम दुनियावी मुश्किलें, खुशी गम खुदा के फजल से होते हैं। तमाम वाकियात खुदा की कृपा से होते हैं। जैसा कि कोई भी तरह के वाकियात, मुश्किलात, दुख दर्द और वक्त, ये इत्तफाक नहीं है, ये लिखा है, ये खुदा का हुक्म है, उनका मंसूबा है, उनकी मर्जी है। इसीलिए आप सबको सब्र की ज़रूरत है। सब्र के साथ आप नतीजे तक पहुंच सकते हैं। सब्र से उस खुदा को याद करें, सब्र से उस खुदा के कीमती मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे की पैदाइश में तकरीबन 9 महीने लगते हैं। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती और ना ही इसमें देर की जा सकती है। अगर कोई माँ बच्चे को 9 महीने से पहले, वक्त से पहले जन्म देती है, वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है, वो बच्चा बहुत तकलीफ सहता है। और अगर 9 महीने से ज़्यादा वक्त लग जाए तो माँ को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है, वो बहुत सफ़र करती है। इसीलिए सही वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। सब्र कुदरती आधार है, कुछ भी खुदा के हुक्म से पहले नहीं हो सकता। जिस तरह एक फूल सही मौसम में सही वक्त पर ही खिलता है और दूसरे मौसम में सही वक्त पर ये फूल भी मर जाता है, कुदरत के साथ जल्दबाजी करना, जिसका हम सभी हिस्सा हैं, उससे दुख पहुंचता है, तकलीफ़ पहुंचती है और कुछ नहीं होता। इसलिए हम सबको सब्र के साथ लाइन में बाकी दुनियावी रूहों के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा, अपनी टर्न का इंतज़ार करना होगा, अपने फूल के खिलने का इंतज़ार करना होगा। या अली या मौला, हमें सब्र करना सिखा दे। आमीन।
आमीन।